नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हर टोटका आजमाने वाले लोगों को क्यों होता है नुकसान। दोस्तों हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि आप खुद अपने जीवन से अगर रिलेट करेंगे या लोगों को देखेंगे, लोग हर तरीके के टोटके आजमाते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए या जीवन की समस्याओं से निकलने के लिए। और बाजे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके जीवन काल में उन्होंने इतने टोटके ट्राई किए होंगे कि इतने तो किसी सेवड़े या तांत्रिक ने भी नहीं किए होंगे। रिसेंटली चाहे YouTube की वो देख लो आप, रेवोल्यूशन के इतने टोटकों की वीडियोस लोगों ने डालनी शुरू कर दी हैं। लोग पागलों की तरीके से हर टोटका ट्राई कर रहे हैं। आज आप YouTube पे सर्च करो, टोटके इतने टोटके हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, और उन सबको ट्राई करते हैं लोग एक्चुअल में, बिना ये जाने बिना ये समझे कि आया ये टोटके वर्क कर भी रहे हैं या नहीं, क्या इनका उल्टा परिणाम तो नहीं हो जाएगा, क्या ये सही है कि नहीं। बिल्कुल एग्जैक्ट रियल चीज़ मिलना, सही टोटका मिलना, सही क्रिया मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में। और कौन सा टोटका आपको सूट करता है नहीं करता, आपकी क्या परिस्थिति है जिसमें आप ये कर रहे हो, क्या आपके ग्रह आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्या मोरली आपका ऐसे टोटके करना सही है कि नहीं। कई दफ़ा लोग खुद गलत होते हैं और सामने वाला विक्टिम होता है और उसको और सताने के लिए ऐसे टोटकों का सहारा लेते हैं और उन पर उल्टा पड़ जाता है। कई लोग डिफरेंट टोटके ट्राई करते हैं और वो सारे ही टोटके गलत निकलते हैं, क्योंकि किसी भी यूट्यूबर ने टोटके बना दिए, उल्टी सीधी चीज़ें इधर उधर से करके डाल दी व्यूज़ कमाने के लिए, आपने देख के कॉपी पेस्ट करके ट्राई कर लिया और वो तुरंत उल्टा पड़ गया। टोटकों को मजाक में मत लीजिए, ये छोटी छोटी क्रियाएं भी इतनी घातक होती हैं कि मौत तक ला सकती हैं, पर लोग इस बात को समझते नहीं हैं। उल्टे सीधे यंत्र, उल्टे सीधे इलम, उल्टे सीधे टोटके, उल्टी सीधी गुड़ियाएँ, उल्टे सीधे नींबू के, कहीं किसी चीज़ के, कहीं तस्वीर के, करते रहते हैं ये सोच के कि चमत्कार हो जाएगा, वो मुसीबत से एकदम निकल जाएंगे। कोई सोचता है करोड़पति हो जाएगा, कोई सोचता है किसी भूत को पकड़ लेगा, कोई कहता है जिन को बुला लेगा, कोई कहता है चुड़ैल सेध ले, कोई कुछ। इन सब से कुछ हासिल नहीं होने वाला। सबसे जो मेन बात है इम्पोर्टेंट, कि इन टोटकों की प्रमाणिकता कहाँ से आपको मिलेगी। और इन टोटकों को करने से अगर आपको लाभ की जगह हानि होती है तब क्या होगा। जिन चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं है, उन चीज़ों में आप, उन क्रियाओं में पड़ रहे हो बिना ये जाने कि इन क्रियाओं का मकसद क्या है। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी टोटके में अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ें आपको बोली गई हैं, नींबू है, लौंग है, सिंदूर है, अन्य चीज़ें हैं, कोई अक्षर लिखे हुए हैं, नंबर हैं, क्यों हैं ये, क्या पर्पस है इसका, पर्टिकुलर टोटके में इतनी चीज़ें क्यों हैं, क्या कारण है, क्या इक्वेशन बैठती है इससे, कभी आपने जानने का सोचा है? नहीं, आपने सिंपली बस टोटका देखा, अरे नया टोटका आया है आज, तो आज रात ये रखते ही हम अरबोपति हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन भी लोगों ने यह हज़ारों टोटके ट्राई करे हैं, अगर किसी एक को भी फ़ायदा हो गया हो तो बता दें। मैक्सिमम लोग टोटके कर करके इतने पागल हो जाते हैं कि वो खुद को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि ये टोटके छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी आत्मा पे, आपके शरीर पे, आपके परिवार पे, आपके घर पे, आपके नक्षत्रों पे, आपके ग्रहों पे। और बाजे टोटके इतने गलत बनाए हुए डाले हुए हैं, इतने उल्टे सीधे टोटके डाले हुए व्यूज़ कमाने के लिए, कि उनसे नेगेटिविटी जाती नहीं बल्कि नेगेटिविटी आ जाती है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ लोगों ने यूट्यूब से टोटके दुनिया भर के कॉपी पेस्ट करके ट्राई करे, एक के बाद एक, और उल्टा भूत प्रेत अपने घर में, अपने जीवन में वो ले आए। पोजेशन दूर करने की जगह पोजेस्ड और भी ज़्यादा हो गए। तो जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप बिना किसी उसके कैसे आप ट्राई कर सकते हो। अपने जीवन से खुद ही खिलवाड़ करना, आप तो टोटकों को, नींबू का टोटका हो गया, लौंग का, इनको तो गाजर मूली की तरह, सब्जियों की तरह समझते हैं लोग, कि क्या है दो नींबू वहाँ डाले, क्या है वो वाला पत्ता तोड़ के लाए पीपल का वो कर लिया, क्या है ये तो घास फूस है। भाई साहब ये घास फूस नहीं है, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही में ही इतनी पावर होती है कि अगर इनका गलत यूज़ हो जाए या आधा यूज़ हो जाए तो ये आपको तबाह तक कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं कम्प्लीटली।
और लोग हुए हैं बर्बाद। आप इस बात को समझिए, आपको बहुत चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है अपने जीवन में। अगर परेशानियां हैं तो सबसे पहली बात अपने कर्मों को एनालाइज कीजिए कि कहीं आप ही गलत तो नहीं है, किस तरीके के कर्म आप कर रहे हैं। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं या पहले करते आ रहे हैं, कहीं उनकी सज़ा तो आप नहीं भोग रहे, या अब भी आप बुरे कर्म कर रहे हैं, या आपके घर में कोई कमाने वाला इंसान है जो गलत कर्मों में है, गलत कर्मों से वो पैसा अर्जित करके लेके आ रहा है, तो कहीं उसके कारण तो आपके जीवन में परेशानी नहीं है। दूसरी चीज़, अपना सबसे पहले मीट मांस अंडा शराब मछली इसका त्याग कर दीजिए। आधी से ज़्यादा परेशानी तो इसी से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मीट मांस अंडा शराब मछली के सेवन से आपके ग्रह खराब हो जाते हैं, आपका शनि ग्रह खराब हो जाता है, सूर्य खराब हो जाता है, बाकी ग्रहों पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, साथ में आपके यूँ कह लीजिए जीवन में तामसिक ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है जो आपको हिंसक बनाती है, झगड़ालू बनाती है, टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो जाती है, पेशेंस ख़त्म हो जाता है, ये आपकी ग्रीड और लस्ट को इंक्रीज़ करते हैं, आपके अंदर एंगर डालते हैं, इतना ज़्यादा घमंड और इतना ज़्यादा गुस्सा प्रवर्तित हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो, वॉयलेंस आपके जीवन में होने लगती है, और साथ में साथ आप कुदरत और ईश्वर से दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो आप इसको बंद करेंगे तो ही सबसे बड़ा फ़र्क आप अपने जीवन में देख लेंगे। मीट मांस अंडा शराब मछली का त्याग करके देखिए, महीने दो महीने में ही आप डिफरेंस देख लेंगे। अगर आप 3 महीने भी इनको त्याग दें कम्प्लीटली, घर में कोई भी मेंबर ना खाए और ना घर में आए ना बाहर खाए, आप देख लेना अपने जीवन में चेंज। दूसरी चीज़, बुरे कर्म कर रहे हैं, गलत कामों से पैसा लेके आ रहे हैं, दूसरे का हक मार के पैसा ला रहे हैं, चीटिंग करके पैसा कमा रहे हैं, अपने कर्मों को ठीक कर लीजिए अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जो ईमानदारी का पैसा है वो घर में लाइए। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम टेंशन वैसे ही दूर हो जाएंगी। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम टेंशन क्यों है? झूठ फरेब के कारण वो पैसा ला रहे हैं, लोगों से झगड़ा करके ला रहे हैं, किसी ने किसी की जगह कब जा रखी है, किसी ने किसी की दुकान कब जा रखी है, कोई घर कब जाए बैठा है, कोई कैसे किसी का पैसा मारे बैठा है, कोई किसी का सामान मारे बैठा है, कोई कुछ है कोई कुछ है, टेंशन दुनिया जहान की। जब आप सीधे रास्ते पर चलेंगे तो आपके झगड़े ही नहीं होंगे, दुश्मन ही नहीं आपके पनपेंगे, अपने आप आपके जीवन में परेशानियाँ घटने लगेंगी। तीसरी चीज़, अपने घर में थोड़ी सी एडजस्टमेंट लेवल इंक्रीज़ कर दीजिए, टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ कर दीजिए, एक दूसरे को प्यार से समझने का प्रयास कीजिए, झगड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। अपनी जो लालच है, ग्रीड है कि आइए ब्याह के इतना ले लें, इतना ऊँच लें इससे, उसको घटा दीजिए। और जो लड़की भी ब्याह के आई है उसको भी समझना चाहिए कि जहाँ पे भी आप आए हो वहाँ अपने इशारों से पूरा घर नहीं चल सकता, आपको भी एडजस्ट करना होगा, इनको सबको समझना होगा। धीरे धीरे एक दूसरे को समझ के ही गाड़ी आगे चलती है, जिद से अकड़ से घमंड से नहीं चलती कि मैं ही सब कुछ हूँ मेरे हिसाब से सब होगा, ऐसे नहीं चलती। हठधर्मी से कुछ नहीं होता, उस चीज़ को आप कंट्रोल कर लीजिए तो घर का सुख मिलने लग जाएगा। इसके अलावा पड़ोसियों से झगड़ा कर रहे हैं, उनको गाली गलौच कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बाहर किसी से भी झगड़ा कर रहे हैं, गुप्त शत्रु आप पैदा कर रहे हो, अपने आप लोग आपको गाली भी देंगे, आपके खिलाफ़ षड्यंत्र भी करेंगे, आपको बद्दुआ भी देंगे, हाई भी देंगे जब आप हर एक से झगड़ोगे तो, और वो आपको लगेगी, वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। इसके अलावा दिखावे की आदत है, हर एक को दिखाना मैं ये हूँ मैं वो हूँ, हमारे पता ये हो रहा है हम तो इतने हुए, अपने आप नज़र ले रहे हो, लोगों को अंदर जलन पैदा कर रहे हो, इसको बंद कर दो। धीरे धीरे अपने आप लोग जो आपके प्रति जलते हैं शांत होने लगेंगे। उसके अलावा अगर कोई किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, भूत प्रेत ज्यादा कर दिए हैं, तब उसमें भी एक कोई जो रिलायबल सोर्स आपको लगे, जहाँ आपको लगे कि आप मदद ले सकते हो, कंटिन्यूसली ले सकते हो, तब आप उनसे तंत्र मंत्र या कोई भी टोने टोटके का सहारा लीजिए। बेसिक लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और कोई भूत प्रेत ज्यादा नहीं है तो आप अगर उल्टे सीधे टोने टोटके रोज ट्राई कर रहे हो कि आज ये वाला करके देखते हैं, आज ये वाला करके देखते हैं, चल आज ये देखते आज चल ये वाला करें, तो आप खुद अपने जीवन को मुश्किलों में डाल रहे हो। अगर जीवन में भूत प्रेत ज्यादा नहीं है तो टोने टोटकों का सहारा मत लीजिए। मैक्सिमम लोग जो मेरे पास आए, जिन्होंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने हज़ारों टोने टोटके ट्राई कर रखे हैं, मतलब यूँ कह लो कि इतना वो जानते हैं टोने टोटकों के बारे में, अधकचरी नॉलेज उनकी इतनी भरी पड़ी है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसे से ऐसा होता है, उन्हें रटे पड़े हैं, उन्होंने इतने करे हैं और उसके बाद आज सबसे ज़्यादा दुखी है और भी ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। आपको कोई नेगेटिविटी का इशू आ रहा है या डाउट हो रहा है कि घर में नेगेटिविटी है, घर में है, आपके परिवार में है, काम नहीं बन रहे हैं या भूत प्रेत ज्यादा है, आप सिंपली, आपको मैंने सबसे सिंपल हथियार दिया है धुनी, आपको कुछ नहीं करना, सात्विक धुनी जो मैं देता हूँ, बस घर में उसको जला लो,
गोबर के उपले पे, गोबर का उपला गैस पे गर्म किया, जब लाल हो गया वो रेड हो गया, किसी भी बर्तन में या मिट्टी की चिलम में फोड़ के उस पर धुनी स्प्रिंकल की, जिस भी धर्म के हो उनका नाम लेते हुए सारे घर में दिखा दी और घर के बाहर रख दी, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जिस अगर कोई मनोकामना है मन में है तो उस मनोकामना को बोलते हुए धुनी करोगे तो मनोकामना सिद्ध होने लगेगी, भूत प्रेत ज्यादा है तो वो वैसे दूर होने लगेगी। कुछ ट्राई नहीं करना, कोई नींबू नहीं लाना, कोई लौंग नहीं लानी, कोई पत्ता नहीं तोड़ के लाना, कहीं शमशान में नहीं जाना, कहीं आधी रात को नहीं जाना, अपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने घर बैठे धुनी जलानी है और निश्चिंत रहना है। लोग हाईवे पे पहुंचे हुए होते हैं, चौराहे पे पहुंचे होते हैं दुनिया भर के टोटके करने, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में आके, और लिटरली मेरे को ये चीज़ देख के हैरानी होती है कि जिनके जहाँ से भी वो टोटके देख के कर रहे हैं वहाँ पे उनको एक्चुअल में कोई भी बंदा नहीं है जो उनको बता रहा है टोटके, वो सिंपली नेट से कॉपी पेस्ट करके टोटके ट्राई कर रहे हैं। जीवन को इतना हल्का मत लेके चलिए, जीवन को इतना मजाक में मत लेके चलिए, उल्टे सीधे टोटके ट्राई करने से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, भूत प्रेत ज्यादा उल्टा आ जाती है। आप गए किसी चौराहे पर टोटका करने, वहीं से कोई चीज़ साथ आ गई, आप पहुँचे शमशान में रात को करने, वही कोई चीज़ वहीं से आ गई साथ आपके। तो देखकर आप चलिए इन चीज़ों को, और खुद इस फील्ड में जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो खुद लोगों को ठीक करने का मत सोचिए। बहुत लोग हैं कि खुद ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने का प्रयास करते हैं, खुद ही भूत प्रेत ज़्यादा दूर करने का प्रयास करते हैं, खुद वो भूत प्रेत से ग्रसित हैं, घर में नेगेटिविटी से ग्रसित हैं और लोगों का इलाज करने चल देते हैं। कोई भी बना बंदा है परेशान है, ला मैं तेरे को देखूं तेरे पे क्या है, उससे क्वेश्चंस करेंगे, उसको आवेश आएगा, उससे पूछेंगे मैं तू ये है तू ये है बता, मैं तेरे को ये करता हूँ करता हूँ, वो उल्टा उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है आधी पर दी, और जो इलाज करने की कोशिश कर रहा है वो प्रॉब्लम में आ जाता है, उसके ऊपर ही आ जाता है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो दुनिया भर की साधनाएं, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें करके सोचते हैं हमारे पास शक्ति आ गई, हमारे पास पावर आ गई, हम ठीक कर सकते। जब तक आप श्योर ना हो, जब तक आपके पास ऐसी पावर ना हो, जब तक आपने इन चीज़ों से डील ना किया हो, तब तक इन चीज़ों में मत घुसिए, ये ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, कपड़े की तरह निचोड़ के रख देती हैं ये चीज़ें। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, चाहे कितनी आधुनिक बन जाओ, कितनी अंग्रेजी बोलने वाले बन जाओ, पर जब ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें ज़िंदगी में घटनी शुरू हो जाती हैं ना, अर्श से फर्श पे ले आती हैं, आप इलाज ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे, इलाज नहीं मिलेगा। अस्पताल से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा जा के गोलियाँ खा खा के अपने बिस्तर पे पकड़े पड़े रहोगे, या सोते रहोगे, या मेंटल असाइलम पहुँच जाओगे, पर ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। तो इसीलिए खिलवाड़ अपने जीवन से और अपने परिवार के जीवन से मत कीजिए। देखो लोगों का क्या है, जो इन चीज़ों को ठीक करते हैं उनके पास तो एक नया केस आ गया, आप अपने आप को और ख़राब करो और 10,000 टोटके ट्राई करो, दुनिया भर की चीज़ें करके खुद सेवड़े या तांत्रिक बनने का प्रयास करो बिना नॉलेज के, अधकचरी नॉलेज से आपके कोई चीज़ आ जाएगी, फिर आप ही डोलोगे लोगों के यहाँ इलाज कराने के लिए। तो इसलिए आपसे सिर्फ आपके शुभचिंतक के तौर पे, आपके दोस्त के नाते, आपके भाई के नाते आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़िंदगी को मखौल में मत लो, मजाक में मत लो, ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। जब तक आपके पास इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, इन चीज़ों से आपने डील नहीं किया है, आपके पास इन चीज़ों को डील करने की शक्ति नहीं है, जो भी लोग इस फील्ड में होते हैं उनके पास पावर होती है, उनके पास चीज़ें होती हैं जो उन्हें बचाती हैं, उनके पास शक्तियाँ होती हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। हर एक जो ट्रीट करने वाले होते हैं इनको भी खतरा होता है, पर इनकी डिफेंस के लिए इनके पास ऑलरेडी पावर्स होती हैं जो हेल्प करती हैं इनकी, तब ये इस फील्ड में आते हैं। ऐसे ही कोई भी इन चीज़ों में नहीं पड़ता, उनके पास शक्ति होती है। अगर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जिस पर आप डिपेंड हो सकते हो, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने जीवन को सिंपल तरीके से, ग्रस्त जीवन है चाहे कैसा भी जीवन है, अच्छे से बिताइए, इसको और कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। आई होप आपका आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत बाधे से परेशान हैं तो आप सिंपली मेरी धुनी मंगा लीजिए। घर में काम नहीं बन रहा है, कोई काम नहीं चल रहा, चाहे आप सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मंगा लो, चाहे रेगुलर धुनी से शुरुआत कर लो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो, प्लैटिनम धुनी मंगा लो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, घर में जलाओ, कोई काम रुक रहा है उस काम की प्रार्थना करते हुए धुनी जलाओ,
या वैसे ही जनरल चला लो भगवान का नाम लेके सुबह दोपहर शाम, धीरे धीरे हर तरीके की परेशानी दूर होने लगेगी। आपको कोई टोना टोटका भी ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसा सात्विक उपाय है, ऐसा सात्विक हथियार है कि अपने आप आपके दुश्मनों को परास्त कर देगा, हर टोने टोटके का असर बेअसर हो जाएगा और आपकी हमेशा सुरक्षा होगी। लोग, लाखों लोगों का जीवन बदला है धुनी से मेरी, और वो इस बात को समझे हैं कि टोने टोटके करके, तंत्र मंत्र करके कुछ नहीं मिलने वाला। सिंपली धुनी जलाओ, जीवन को मंगल ही मंगल होगा जब आप धुनी जलानी शुरू करोगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी, आपका फ़ैसला है। मैं सिर्फ़ आपको राय दे सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ़ आपको बचाना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से, इन सब चक्करों से, क्योंकि एक बारी लोग इन चक्करों में पड़ जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और मैंने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते देखी है। इसी वजह से कह रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई वो नहीं है। चाहे आप मेरे से धुनी लो या ना लो, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी लाइफ है। बस तंत्र मंत्र में मत पढ़ो, उल्टे सीधे टोटके मत ट्राई करो। ज़िंदगी जो ये एक मिली हुई है ना, इसकी कदर करो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।